2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। भागलपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और वर्तमान एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ किया। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव की रणनीति पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री ने आम लोगों के द्वारा शहर में वायुयान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य सरकार हवाई अड्डे के लिए जमीन मुआयना कराए और वह प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार से विनती कर एयरपोर्ट सेवा यहां शुरू करवा देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रुड्डी अपने क्षेत्र में हवाई सेवा को लेकर कोर्ट गए हुए हैं और उन्होंने उससे भागलपुर की चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह जमीन दे, केंद्र सरकार यहां एयरपोर्ट चालू करेगी। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। उसमें भागलपुर का रेशम कॉलेज बन गया। चार कोर्स की पढ़ाई इसी सत्र में शुरू हो रही। हमारी जो बिल्डिंग थी बड़ी वाली वो भी हमने दे दी उनको, नंबर वन। नंबर टू, जो सीपेट का कॉलेज भी मैंने मंत्री के तौर पर भागलपुर की जनता को दे दिया। जो बन रहा है शायद बन ही रहा होगा ना, देखा कि नहीं आप लोगों ने जाकर। फिर यहाँ पर प्लग एंड प्ले के लिए शेड हमने बनना शुरू हो गया होगा वो भी। तो हमने जो भी कहा वो पूरा हुआ है। हमने कहा जो 16 एकड़ ज़मीन थी जो एयरपोर्ट पे, हमने जाते जाते एक जदयू के मंत्री का सहयोग लेके, हमारे मित्र हैं लेकिन जदयू में हैं, तो वो ज़मीन उन्होंने लिख के दे दिया कि जितना पैसा 3.5 करोड़ में 16 एकड़ ज़मीन चला गया था। लेकिन मैंने भागलपुर की जनता के डिमांड पर वो उसको वापस इंडस्ट्री में लाने का काम कर दिया। और हमने ये भी कहा, आज मेरे से किसी ने पूछा, हम सरकार में थे यहाँ एयरपोर्ट के लिए आंदोलन चलता था, तो हमने, हमारे लिए एक, हम सरकार के बाद आपसे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम रूड़ी जी गए हैं कोर्ट में अपने एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने कहा भाई हमारे भागलपुर के लोगों का भी हक है। तो जो महागठबंधन के सांसद विधायक हैं, जो लोग एयरपोर्ट के लिए बात कर रहे थे, उनको मैंने कहा था राज्य सरकार ज़मीन दे, एयरपोर्ट में मोदी जी से हाथ पर जोड़ के भी लाना होगा तो ले आऊँगा, लेकिन ज़मीन तो देना होगा ना। झारखंड में एयरपोर्ट बना, अगर ज़मीन नहीं होता तो क्या बन जाता क्या वहाँ? स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देना होता है तो ज़मीन। अब मैं क्योंकि बंधन में था वो सरकार के, और मुख्यमंत्री जी से एक बार सर्किट हाउस में ही मुकुटधारी अग्रवाल जी और सबके सामने, नवेद चौधरी जी के सामने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आप ही को मुख्यमंत्री बना देते हैं, अब बना दीजिए एयरपोर्ट। लेकिन हमने जो है उस वक्त हम सांसद थे तो हमने रिक्वेस्ट ही किया था उनसे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी डिमांड है, आप कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला तो आप ज़मीन दे दीजिए, लैंड जो है, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, लैंड देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। और हम लोग जो रूड़ी जी कोर्ट गए हैं उसमें भागलपुर का भी जिक्र किया उन्होंने, हमने 3-3 पुल बन गया, एक एक्स्ट्रा बन रहा है, 4 लेन हो गया, उसके बाद छपड़ा वाला पुल है तो जमुना पार की तरह हो गया ना, नोएडा की तरह हो गया ना, छपड़ा हाजीपुर गंगा पार, जमुना पार वहाँ है, यहाँ गंगा पार हो गया। तो वहाँ पे सबसे अभी दूरी क्यों होती है? अगर दरभंगा में मीटिंग होती तो हम हर पहुँच जाते। तो हम लोग ये भी भागलपुर के विकास के लिए मेरा जो दायित्व था एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर वो हमने किया। एक चीज़ जो रह गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, मैंने पहले एज ए मंत्री अनाउंस किया है कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज है 125 करोड़ का देना है, तो वो हक न मारे, हमारी पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर उसको भी, कितना, 125 करोड़ के करीब है,
आयुर्वेदिक कॉलेज वाला मैंने कैबिनेट में उठाया था और मुझे कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वचन को पूरा करेंगे। अब हम लोग सरकार में अलग हैं, सरकार के बाद तो हम आए ही थे, एक बार बात हो गई थी। तो भागलपुर का जो इलाका है, अब हम MLC हैं, अभी तक हमने MP MLC फंड भी खर्च शुरू नहीं किया। अब ये जो MLC फंड है वो 100% भागलपुर ज़िले में ही खर्च होगी। पहले भी मैंने वहाँ लिख के यहाँ दे दिया, तो मेरे प्रतिनिधि भी हैं ये, लेकिन बड़े काम के लिए होगा, नाला नाली इसके लिए नहीं होगा, कुछ बड़ा काम करेंगे। तो पिछले साल का दो साल का जमा एयरपोर्ट वाला आधे पर फंस गया मामला, आप बोले कि रूढ़ी को। अरे भाई, तो उनकी बात में हम लोग क्या कमी बेस करेंगे, वो तो वो कह रहे हैं, राजद के वो नेता हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उस पर हम लोग क्या कहेंगे जब वो खुद ही कह रहे हैं। और जदयू के अंदर क्या चल रहा है उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। जदयू के ऊपर हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को एक कसक रह गई थी कि गुजरात ने 26-26 दे दिया, राजस्थान ने 100% दिया, दिल्ली ने 100% दिया, हरियाणा ने 100% दिया, हम बिहारी लोग जो है एक सीट नहीं दे पाए थे, 39 दे पाए। इस बार 40 नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे, भागलपुर सहित। भागलपुर में कमल ही खिलेगा फिर।